नमस्कार मध्यान खबर को आपन को स्वागत करछी मु स्मृति लग्ना प्रथमे हेडलाइंस आज तो संसद रो मौसमी अधिवेशन उपस्थापित होई पारे 23 गुरुत्वपूर्ण बिल शांतिपूर्ण व गठनमूलक चर्चा पई मोदी को आह्वान सरकार को घेरबा को विरोधीकरण ने एसएफ सौम्य महापात्र मृत्यु मामला खैरारे छह जणिया तदंतकारी टीम सौम्यों परिवार और संपर्कों को पचराउछरे अपराह्न कप्तिपदा जा विद्या भारती को जेरा करे तदंत अधिकारी दीर्घ दिन पर राज्य में 1700 तले दैनिक पॉजिटिव संख्या 24 घंटे 1648 आक्रांत चिन्हट सेपटे पुणी 58 जनक जीवन नेला वायरस खोर्धारु सर्वाधिक 19 मृत्यु बलांगीर बढ़िबार लगी अंधविश्वास जाल बरामाल गांव में गुणीगारिणी सन्देह वृद्ध को हत्या परिवार लोकों अभियोग पर पुलिस तदंत जारी आजु सारा राज्य में बस सेवा आरंभ कोविड कटका भितर बस चलाचल मिली अनुमति मे 5 रु जातायात उपर लगी कटका अनेक बस जांत्रिक त्रुटि थी आज गड़ब 2-3 हजार बस गुरुवार महाप्रभु बाहुड़ा यात्रा जन्मवेदी छाड़ी रत्नवेदी को बाहुड़े श्रीजु राति 8 पुरी में 48 घंटिया कर्फ्यू सिल हेब सबु प्रवेश पथ सेपटे नवमी संध्या दर्शन वंचित हेले भक्त आरंभ होइछि संसद मौसमी अधिवेशन आज अगस्ट 13 जाए चलो अधिवेशन एथर अधिवेशन में मोट 19 कार्य दिवस रखाई कोविड द्वितीय लहर आरंभ होगा प्रथम अधिवेशन अधिवेशन पूर्व कोविड 19 संबंधी प्रस्तुतिर समीक्षा करते लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला महामारी को दृष्टि में रखी मौसमी अधिवेशन में गाइडलाइन मानवा समस्त व्यवस्था होती अधिवेशन आरंभ सदन रे नुआ मंत्री मानुको परिचित कराइथिले प्रधानमंत्री अधिवेशन को संबोधित करी समस्तंको कोरोना नियम मानिबा को परामर्श देछंती ए संक्रमण पूरा मानव जाति को क्षति पहुंचाइथिबा से कहिछंती ए संपर्क रे चर्चा करबा को विरोधी को से आह्वान देछंती आवरण होगा क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता हर बैंक पर से, बैंक को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नव नियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। पुणे घरै हॉस्पिटल रो दादागिरी 1.5 लाख टंका पई बंधा पड़ी शव टंका दिया जाय नथिबारु 18 वर्षीय बालक सुभाष नायक रो शव बंधा पड़ी नीलाचल हॉस्पिटल रे 1.5 लाख टंका न देले शव न देबाकु जिद धरि बसिछंती हॉस्पिटल कर्मचारी
ए बाबद्रे अधिक सूचना पई सीधा सख आम प्रतिनिधि रोशन को पाकु जिबा रोशन बारंबार ए चित्र सामना को आसुची जे पैसा दाबी करूछंती नहले सब देबो नाही अपर पक्षरे सुप्रीम कोर्ट कर नियम रहिची एभले करा जाई पारिबो नाही ता परे हॉस्पिटल कर्मचारी किभले भाबरे एभले कथा कहि परछंती देखो स्मृति लग्न निश्चित भाव में प्रत्येक शबर ह्यूमन राइट्स अच्छी सुप्रीम कोर्टर जो भाव में कड़ा निर्देश अच्छी जितेबाला जे डाक्तर डेथ बोली घोषणा करेंगे जड़े रोगी को अर्थात मृत्युबरण कर सारे मेडिकल कर्तृपक्ष अध घंटा डेड बॉडी को रखिपारे ना तुरंत रिलीज करूँ एटी जहाँ देखा मिली पुणी थे एटी पखापाखि भोर चार डेड बॉडी मान डेथ कर सारे पेसेंट कि बर्तमान सुधा जेहेतु तक डेढ़ लक्ष टा पेंडिंग अच्छी बर्तमान नीलाचड़ मेडिकल शब रिलीज करना बर्तमान जेहेतु पेसेंटर पर लोक गरीब अच्छा पाखे एत टा ना तेणु से अनुरोध कर बारंबार जे किसी मस आटलिस्ट समय दि जाऊ जहाँ टाँचा बाकी अच्छे आम धीरे धीरे सुझदेव कितु जपर्यंत बर्तमान पूरा टाँचा नदीचंत शब छाड़े नहीं कहुई कि समय पूर्व आम मेडिकल जे कर्तृपक्ष अच्छा सहित आलोचना करूँ फोन करूँ और सी जहाँ कहते आम सहित कथा हूँ आगे रोगी संपर्क आम नेगोसीएट करूँ तेणु क्योंठना के सुप्रीम कोर्ट जो कड़ा निर्देश अच्छी ताकू वर्तमान ये उल्लंघन करवार लोक अच्छा आलोचना करवा भाई अच्छा कौन होता पेसेंटर केडमिट होता गला मंगलवार दिन नहीं आसे देह डे कौन खावा पीवा न दुर्बल होता पूरा पूरा दुर्बल होनी मत देखे कहला एडमिशन करेंगे ना आपड़ मैंने एमती देखे मुझे सीरीयस मत फास्ट कले सीरीयस हो जाए बहुत सीरीयस हो जाए तार किडनी खराब हो लिवर खराब होती तार कौन है आम देखी तार स्कैन फोन है तार सब जना पड़ो मुझे डरी बहुत भल कले घर खाया पीया बंद कला नहीं आस भल हस्पिटा सालन फलन देना ठीक ठाक सेमती एत बड़ रोग दीदी कौन तर किडनी खड़ा लिवर सेमती पा देखा पेसेंट डेथ सकाल चार बेल देख ला हाथ दग दग चलती बोली कि पचार भेकिल लगी निश्वास चलती ना बंद कर दूर पैसा देवे कल हस्पिटा फोन कर तुम पेसेंट मैंने डक्टर सहित कथी मुझे कह हाँ पेसेंट भल अच्छे बाकी टाइम लगे अपेक्षा करूँ अपेक्षा कले बाकी भल हो भगवान पर विश्वास रख कि चार्ट बेल देखी भल देखी पेसेंट कि कहते टाइम बाकी अच्छे कौन लक्षे छयास हजार देर लक्ष भर सर तर पेंडिंग का मत कहते हस्पिटाल बेड चार्ज के चालीस हजार पचास हजार थी आ मेडिसिन खर्च चौसठ हजार टाँग था आज भितर सर तार पूरा कौन बयासी हजार हो गला मेडिकल चार्ज सर तम बेड चार्ज मैंने आप सहित मेडिकल करतृपक्ष कि कथे कि आश्वस्त जाइए एचआर सार को सी तो कौन ना तलपुर तलपुर आम कहले आसल बर्तमान डेड बॉडी छाड़ू ना से कहते पेमेंट नक क्लीयर नक से कहते देव निश्चित भाव में स्मृति लग्ना देखुले प्रतिक्रिया शुणुते जहाँ पर लोकर जे भोर रु तर पेसेंटर डेथ हो सारा कि वर्तमान पर्यंत डेड बॉडी छड़ा जाऊना और जहाँ पर लोकर अभोग अच्छी मेडिकल कर्तृपक्ष जहाँ कहते जो पर्यंत टंका डिपोजिट न करपर्यंत डेड बॉडी छड़ जाबनि तेणु क्योंठना के जोबले सर्वोच्च कोर्ट जो आदेश दौरान कि भाव में घर मेडिकल गुड़िक खोलाखोली अवमानना कर रखिंट कि आपड़ किसी पचरा उचरा कर हस्पिटाल कर्तृपक्ष को कौटी असुविधा रही देखो निश्चित भाव में आम पहुँचा पर मुझ प्रथम मेडिकल कर्तृपक्ष नंबर आने फोन करी और सी कही आम कौन शब अटकैन कितु जो मैंने भी पर लोक अच्छा पेसेंटर से बर्तमान सुधा आमको देखा करना कि आम सहित किसी आलोचना करना और मेडिसीन बाबद किसी पैसा रही जाइए से नहीं आम सहित प्रथम आलोचना करूँ पर लोक जाइए जे मेडिकल कर्तृपक्ष सहित आलोचना करते से फेरला से प्रतिक्रिया रखुच्चे बर्तमान सुधा पूरा जी पैसा अच्छे डेढ़ लक्ष टा पाखापाखि से पैसा जो पर्यंत से नदेक छाड़े नहीं डेड बॉडी एवं जहाँ सूचना मिलूजे बापा कि समय पूर्व जा मेडिकल कर्तृपक्ष सहित आलोचना करते सी कही किसी दिन आटलिस्ट समय दि जाऊे से किसी किसी पैसा देदे कर सुझीदे कि बर्तमान पुअर शब को छाड़ दिंतु बोली कितु से मेडिकल कर्तृपक्ष राजी नर्तमान सुधा
राज्यरे एमती अनेक दृश्य देखिबा को मिलछि लगातार भाबरे किछि दिन तळे मध्ये आमे एक हॉस्पिटल रो दृश्य देखितलु केमती स्तब बंधा पडितला परिवार लोक कांद बबाळे करथले एवं निश्चित भाबरे या एक निंदनीय कथा। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे सूचना पई रोशन आमर रिपोर्टर रहितले जे अधिक सूचना दोथले परवर्ती खबर को आसीबा। एसएफ सौम्य महापात्र मृत्यु मामला खैरा रे पहुंचि सारिछि पारलाखेमुंडी थाना रो 6 जणिया तदंतकारी टीम ए टीम सौम्यक परिवार एवं संपर्कियों को पचरा उचरा करूछि। टीम रे अछंती पारलाखेमुंडी थाना अधिकारी विवेकानंद स्वाई एसआई त्रिनाथ पटनायक समेत अन्य चार अधिकारी सोमरंजन को बासभवन रे परिवार व संपर्कियों को घटना संपर्क रे पचरा उचरा करा जाउछि। तदंत पर आज कप्तिपदा जाए मृत सौम्यक पत्नी विद्या भारती को मध्य जेरा करिब टीम। ना मु आज गणमाध्यम माध्यम रे मु जण कहवा को चाहूची डीओ बो अनत्र विदा ट्रांसफर करंतु चाकिरु बहिष्कार करंतु कले ये ये होची इनुकाटा ठीक ढंगर हबो जेहेतु से होची विराट काय हस्ती एवं तांकर सेटी जो फिस्ट हेइतला एवं फिस्ट आलोचना फिस्ट भितर मध्ये आमो पुओ मरुची आमो पुओ तो गोटे ये चतुर्थ कर्म कर्मचारी नुहे जदि डीओ पुओ फिस्ट कले कलेक्टर हेटी निमंत्रण करागला किंतु आमो डीओ आमो पुओ काई हेटी निमंत्रण हला नाही जदि निमंत्रण हला नाही सेटी तो रुसे वास आमो आमो घर होबा नथला जदि रुसे हला से पुजारी रुसे खाद्य पेय काहा गति नेकी जाउथले जो मैडम गणमाध्यम कहले मु खाद्य नहीं कि जाऊँगी आम पूजारी नहीं जाऊला से क्या गति से नहीं जाऊला से मांस होता कलेक्टर निजे दौड़ी आसिक आम पुओ को रक्षा कर जो घर काढ़ नहीं मेडिकल पकई तेणु ये रोसईटा कौटी होता है यह सब मिछ कथा पुओ को संपूर्ण रूप मारिक आने फिंगी संपूर्ण आम बोर संपूर्ण दायी और गणमाध्यम कहवाक चाहूँ से आम निज बो को धरिकी आने ताको थाना आणिक पचारे से सब कथा मानिजे एवं पूजारी सब जानी पूजारी डिटेल जानी ये घटना कौन खैर एट बेगुनिया आम सौम्य बाबू घर आसी पहुँचीचु आमर तदंत चालू रही आम आज माई एवं माँ एवं अन्न्य सांगसाथी जो मैंने भी अच्छा से पचार पचर करूँ तापर आम कप्तिपदा जीव एवं इन्वेस्टिगेशन चालू रही कनक्लूजन न पहुँचा पर्यंत किसी कहीहबनी कहीं इन्वेस्टिगेशन स्टेज आम केस रेजिस्ट्रेशन दिन ठूँ आम ही इन्वेस्टिगेशन चालू रही फोरेंसिक टीम आसवा आउ कंप्लेन फैमिली मेम्बर्स को एग्जामिनेशन करवापर आम आज पहुँची नहीं देखो आम स्टेप बै स्टेप इन्वेस्टिगेशन चालू रही गोटे यहाँ गोटे स्टेप आम आस पहुँचीचु तापर जीए जीए इन्वेस्टिगेशन को आसवे जहाँ जो जो मान एलिगेशन है निश्चय आम इन्वेस्टिगेशन को आ आज पचराउचरा पूर्व कौन थी सौम्यों परिवार एवं आईनजीवी प्रतिक्रिया नजर पकेबा कहीं सी कह बाहर भांगी दियो मोर एने गोटे अच्छी मुझे बाहर ये कहला मुझे भांगे हाँ मैं तू हाँ कहलु आदि कहु तू ना मोर गोटे पीस पल मो बाप चाहिए मो मुहता मुझे चाहूना घर भितर शखा चुड़ी भांगी मुंड सिंदूर पोछी पोछिकी पलि जा ये जाए खोजी खोजला ये पाई नहीं जाए डीएफ घर ये से कुकर्म देखी पुराटा संपूर्ण मिथ्या हत्यामूलक षड़ स्वामी स्त्री दी जन थे कमी स्वामी मरीगला स्त्री जापरलानी तेणु एटा स्त्री पर आम यही जाए जेहतु स्वामी स्त्री थी सागर जन डॉक्टर रेफर करछन एमकेसी जी जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करते आउ जन डॉक्टर ताकू रेफर करछन एसीबी की यही दिगटा को मध्य पुलिस तदंत जदि करिवो जे किए ताकू प्रवर्तैला ताले जणा पड़िवो जे पुलिस ता तदंत जो जो नुआ नुआ जिनस आसुची आगुकु से दिगर जदि पुलिस तदंत करुची ताले जणा पड़िवो जे पुलिस ता तदंत ठीक करुची। ए बाबद अधिक आलोचना रिपोर्टर मनोज प्रधान आम सहित जोड़ी होती मनोज खैरारे गोटे टीम पहुंचे सारी पुलिस 6 जणिया टीम सौम्यों परिवार सहित अधिक पचराउचरा करछि एवं आज
ଏହା ପରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମାନେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ପଚରା ଉଚରା କରିବ। ତ ଆଜି ଦିନ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ପୁରା କେସ୍ରେ ଏବଂ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିବେ ଜନସାଧାରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ମଗା, ନିହାତି ଭାବେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିବା ଛଅ ଜଣିଆ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ 10:00 ବେଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କ ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜାରି ରଖିଛି। ନିହାତି ଭାବେ ସେ 7 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ଘଟଣାକୁ, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଜେରା କରାଯାଇପାରିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆଜି 7 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଜେରା କରୁଛି। ୟାପରେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ନେଇ ଯାହା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆମ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ, କ'ଣ ଘଟଣା ଥିଲା ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ 7 ଦିନ ବିତିଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ରହିଛି, ଆଉ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣାଟି? ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ହେଉଛି ମୋର ନିଜର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ମୋ ଘରଟା ହେଉଛି 300 ଖଇରା ବ୍ଲକରେ। ସେ ସବୁଠାରୁ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ପିଲା, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦର କହୁଛି, ଆଜିକା ଦିନରେ ଜଣେ OFS ପାଇଥିବା ପିଲା ସାଇକେଲ ଚଲା ଶିଖିନାହିଁ କି ମଟରସାଇକେଲ ଚଲା ଶିଖିନେ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଏଇଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ ହତ୍ୟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଜନା ବାଧ୍ୟ ଭାବରେ ହତ୍ୟା ମାନେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମାଷ୍ଟର ହେଉଛି DFO ଏବଂ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଏବଂ ରୋଷେୟା। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏଇଟା ହତ୍ୟା ହେଇଛି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ। ମୁଁ 3ଟା ବାଇଟି ଦେଖିଛି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଇଟିରେ ସେ କହୁଛି ଏଇ ରୋଷେଇ ଘର କି ବାବଦରେ ଖବର ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କୃଷ୍ଣ କୁମାରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ସେବକମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ତା ଛଡ଼ା ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମର ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଓଥରେ ଚେକ୍ କରାହେଇଛି, PSD ତରଫରୁ ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ୱାଟର ବଟଲ ହିସାବରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଇଛି, ବଟଲ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହିବ। ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଆମର DD ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ଲସ୍ କମନ୍ ଫିଡ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ଯେମିତି ଥିଲା ଦିଆଯିବ। ଆମର ବାକି ଯାହା ଫ୍ଲାୱାର ଡେକୋରେସନ୍ ଏସବୁ କାମ ଚାଲିଛି, ଅର୍ ଭଜନ ପାଇଁ ବି ସୁନାବେ ସାଧାରପନ ଅର୍ ନିରାଦ୍ରି ବିଜୟ ଦିନ 3 ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେବକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଭଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାହେଇଛି। ୟା ଛଡ଼ା ଆମେ ଯାହା ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ କି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ସିର୍ଫ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଧରିକରି, ଆମର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଧରିକରି, କିମ୍ବା କିଛି ଯଦି ସେବକମାନଙ୍କର ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କରିବାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକରି ହିଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରାଯିବ। କିଏ ବି ଅଲଗା ସଂସ୍ଥାରୁ ଯେମିତି କିଏ ଲୋକ ଏ ଭିତରେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ସେ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ କମିଛି ସଂକ୍ରମଣ, 1700 ତଳେ ରହିଛି ଦୈନିକ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1648 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁନି, ପୁଣି 58 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ଭାଇରସ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 19 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ବରଗଡ଼ରୁ 7, ଗଞ୍ଜାମରୁ 5, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 4 ମୃତକ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 5116। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କଟକରୁ ସର୍ବାଧିକ 335, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 230 ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଯାଜପୁରରୁ 113, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 112, ଅନୁଗୁଳରୁ 99, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 83 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମଣର ଗ୍ରାଫ ତଳମୁହାଁ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆକଳନ କରିଥିଲୁ ସେ ହିସାବରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। କେସ୍ ଲୋଡ୍, ସଂକ୍ରମଣ ହାରରେ ଉନ୍ନତି ଆସୁଛି, ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ସ୍ଥିତି ପ୍ଲାଟୋ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଟେଷ୍ଟିଂ, ଟ୍ରାକିଂ, ଟ୍ରେସିଂ, ଟୀକାକରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଥିସହିତ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାବରେଟୋରୀ ବଢ଼ାଯାଉଛି।
गुणीगारिडी नारे पुणी हत्या बलांगीर गुणीगारिडी संदेह वृद्धा हत्यार अभियोग सैंतला ब्लक बरामाल गांव में घटी हत्याकांड मृतक होती नित्य भोई गुणीगारिडी संदेह वृद्धा को हत्या कराने पर लोक अभियोग आलिस घटनास्थल में पहुंची तदंत जारी रखी আজি বৈষ্ণবগড় ঝিকে দেবতা লাগিছে বলিকরি সে গোটে গুণিয়াটে আনিছিল সেনু মোর বাপাকে সে কৌছিল তুই পাঙিছু বলিকরি সেনু মোর বাপাকে সে বাবা থাইকরি লোক ডাকি নেলে পূজা বিধি কলে আর এটা তুই জবরদস্ত নে বলিকরি সে বাবা কহলা তারপরে সে মোর বাপা নিয়ে সেটাকে ফিঙ্গি দিয়ে গলা পরে হেতকে সে যার জমিনে সে পূজা করবু বলা সে দেবতা সেনে সে লোক কলে সেনু মোর বাপা সেনু পলে আসলা পলে আইলা পরে যার জমিবালা কিয়া বগর্তী আর রাজেশ বগর্তী আসিকরি মোর বাপাকে ঘরু টানি নেলে সেনে দুই চাপড় পিটলা সেনু পলে আসিকরি ঘরে সবে শুইনু শুইলা পরে হেতকে রাতি দুই বজে আড়কে এই ঘটনা ঘটিছে। ରାଜ୍ୟରେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ନେଇ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ କୁଚିଣ୍ଡା ପ୍ରତିନିଧି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳା ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କମ୍ପାନୀ ମନ ଇଚ୍ଛା ବିଜୁଳି କାଟ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୁଚିଣ୍ଡାରେ? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବାଦ ନେଇକରି ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏଠାରେ ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେ ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନେତା ଗଣ ଅଛନ୍ତି। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯୋଉ ଲାଗି ରହିଛି ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟକୁ ନେଇ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ ସଭା ଚାଲିଛି। ଆମ ସହିତ ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁଶୀଲ କର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଚାଲିଛି, ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍କୁ ନେଇକି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଡାକରାକ୍ରମେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, କଣ କହିବାକୁ ନେଇକି? ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଚିଣ୍ଡା ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ଜଷ୍ଟ ତଳେ ତଳେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପଖଣ୍ଡଟି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳିଆ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଉନ୍ନତ ମାନର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଦୀର୍ଘ 20-22 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ରହିଛି ଏବଂ ଏ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଯୋଗାଇବାରୁ ବିପଦ ରହିଛି ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦରବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି, ଏବେ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ କୁଠାର କଥା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ପତ୍ରିକା ଶୁଣିଥିବେ, ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁଶୀଲ କର ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଛପଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଏଥିରେ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କୁହାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଲୋକମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ବିଜେପିର ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଚାଲିଥିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସୌମ୍ୟ ଧଳ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କମ୍ପାନୀ ମନ ଇଚ୍ଛା ବିଜୁଳି କାଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସାରା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ତା ସହିତ କରୋନା କାଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ବଢ଼ିବା ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ। ସମୟ ହୋଇଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।